लखनऊ के घंटा घर से मैं सलाम लाया हूँ। अभी यहाँ जो ये सी ए के आज जो और उठा रहे हैं ये तमाम जो है आज और जाम हुआ है आज जैसे कि आपको देखा कि आज आने वाले की आप लोगों जो सी ए है उसमें मुसलमान ना हो के सभी धर्म आते हैं, लेकिन ऐसी हवा चलाई जा रही है मगर ये मोदी ने ना दिलों में लड़ाई पैदा कर हमारे मुसलमान आगे जाए मोदी की ऐसी ठीक है। देखिए जब तक मुस्लिम है हिंदू कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उधर मुस्लिम की चलेगी ठीक है सब भी चलेंगे मगर सब भी सब चलेगी चलने मोदी सुधर जाएगा मुसलमानों में आगे नहीं होगा ठीक है। आप देख रहे हैं सभी देशों में यहाँ पर हजारों और लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज जो दिल्ली के अंदर सूखा लागू हुई है उसके बारे में लोगों से बात करते हैं कि सूखा सिर्फ दिल्ली में ही क्यों लागू की गई है, क्या ये एक सरकार की चाल है कि जो ये सीए को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है इसको बंद करने के लिए या फिर लोगों को डराने के लिए। तो ये रसूखा जो सरकार लेके आई है ये सिर्फ दिल्ली के लिए लेके आई है, और क्या इसमें सीए हो रहा जो प्रोटेस्ट है शाहीनबाग में उस पर क्या असर पड़ेगा, आइए लोगों से बात करते हैं उसके बारे में। सर आप अपना नाम बताइए। तौफीक जी, जो ये रसूखा दिल्ली में लाई है आज सरकार, आज से रसूखा लगाया है जिसमें सरकार को कोई भी किसी तरह का जिसपे भी सरकार को शक होगा मतलब दिल्ली पुलिस को जिसको भी लगेगा कि ये हमारे समाज के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 1 साल इसकी सजा होगी। सजा हो तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना सर क्या रखेंगे? जी आपका नाम बताए। जी बताइए क्या कहेंगे। मैं कि अपना रोजगार ना कर सके किसी इसलिए ये कुछ भी एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैला देते हैं पब्लिक उसको उलझ के रहना ये कुछ नहीं कहना है कुछ भी अपना रोजगार नौकरी खुशी जो भी हालत आप जानते हैं
सबसे 45 साल तक और बेरोजगारी का हिस्सा था पूरे ही दुनिया के अंदर। लोग डर गए, घबराए, नए नए कानून से और ये प्रोटेस्ट को हटा दिए। सरकार ने जैसे आज काफी मीडिया में भी चला है कि लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को आने जाने में ट्रैफिक जाम से, इसके बारे में आपको क्या कहेंगे? आप वापस ले लेना, आपने जो एसी है जो कानून लागू किया है इसको वापस ले लीजिए। आप जब से ज्यादा परेशानी हो क्या हो सकती है, जब हमारा नागरिकता ही छिन जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं हम? आगे बीच में ये जो बीजेपी की जो है वो क्या नाम होता है, वो भी राहुल अंदर जाकर के कह रही थी कि आपके हक में फैसला सुना है, ये कर रहे हैं, आप तो आ गई। अरे आप आइए ना, सीधा सा सवाल है, आप मुझे समझाइए ना, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, इसलिए है कम से कम बैरिक सरकार को जगाने के लिए, सुनाने के लिए, कोई नहीं जग रही जगेगी। और आज आप देखिए हिंदुस्तान के जितना इधर फिक्र है तो इनको आना चाहिए, यहाँ आगे बात करनी चाहिए समाज से कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सफाई देनी चाहिए, सबको बताना चाहिए। बहुत मेहरबानी मीडिया वाले, हमारे लिए बड़ी मेहरबानी, आप स्टेज पे।